जो तुम्हें रोता छोड़कर सो सकता है, याद रखना वो तुम्हें खोकर कभी भी रोएगा नहीं। कभी उनकी कदर भी करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब के प्यार करते हैं। आप कहते कहते थक गए कि मेरी बात समझा करो, सुन तो पूरी दुनिया लेती है। तो अगर ये हाल आपका भी है और आपको ऐसा लगता है कि आपके प्यार की कदर नहीं हुई है, आपकी बातों को सुना नहीं गया है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, आपको इग्नोर किया गया है, आपकी वफा को बेवफाई मिली है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देख लेते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसको देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी, तो जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिएगा। तो अगर आपकी लाइफ में भी धोखा मिला है और आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या डिवाइन दे रही है उनको कर्मा उनका, तो चलिए देख लेते हैं आज ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, टैरो कार्ड्स के थ्रू जान लेते हैं क्या सब सच है। पास्ट से होते हुए प्रेजेंट को कनेक्ट करते हुए फ्यूचर गाइडेंस की तरफ जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि हर कार्ड कुछ ना कुछ बताता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन जरूर डालिएगा। आप लोग अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में किसको लाना चाहते हैं, किसको निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स रीड करते हैं तो वो हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। तो चलिए एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं भी इस रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। आप चाहे तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेली चैंट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। तो चलिए ओपन करते हैं अपना फर्स्ट कार्ड और देखते हैं पास्ट में क्या आ रहा है, आपकी एनर्जीज क्या आ रही हैं पास्ट से। ऑल साइन रीडिंग है बट आपको साइंस बता दिए जाएंगे। फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे फ्लैश हुआ है, पेशेंस का कार्ड। तो आप देख सकते हैं दिन हो या रात हो, कोई भी समय हो, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के रखा है अपनी इस रिलेशनशिप के अंदर। कई कई बार ऐसा हुआ कि आपको समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई गलतियों को आपने इग्नोर किया है, कई चीज़ों को आपने पास ऑन किया है कि छोड़ दो, रहने देते हैं, और आपने उस चीज़ को इग्नोर करते करते बहुत लंबा वेट किया है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो इस रिलेशनशिप में जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, जो भी आपने प्यार डाला है, वो आपको रिटर्न मिलेगा। आप उस चीज़ का वेट करते रहे हैं बहुत टाइम तक। ठीक है, कि जो भी आपने इस रिलेशनशिप को दिया है, वहाँ जो भी एफर्ट्स डाला है, वो आपको वो प्यार वो केयर ज़रूर मिलेगी, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे पेशेंसफुली आप काफ़ी टाइम तक वेट करते रहे हो, पास में ये एनर्जीज आ रही हैं। कंपैरिजन का कार्ड आया है, ओके। तो देखिए यहाँ पर कई आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको बात बात में कंपेयर किया जाता होगा कि देखो वो ऐसी है, वो ऐसा, या उसने वो ऐसा करती है, वो वैसा करता है, या उसकी ग्रोथ देखो या उसकी सक्सेस देखो, जो भी है, मतलब आपको कंपेयर किया गया है पास्ट में किसी के साथ, है ना। तो ऐसे आप लोगों में से कई लोगों की एनर्जीज हैं यहाँ पर, कंपैरिजन वाली एनर्जीज आ रही हैं। फूल का कार्ड नेक्स्ट आया है, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि आप में से कई लोगों को इस रीजन के चलते, मतलब कंपैरिजन कर किया गया है आपका और लोगों के साथ, किसी और के साथ, उसके चलते आपको एक फूल की एनर्जी में देखा गया है कि तुमको तो कुछ नहीं आता, ज़रा उसको देखो, है ना, तुमने अपनी लाइफ में किया ही क्या है, ज़रा उसको देखो,
है ना। तो इस तरीके की जो फूल्स वाली एनर्जी है ना, उसमें आपको रखा गया है कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, या आप किसी काम के ही नहीं हो, या आपको समझ ही नहीं है। बहुत सारी इस तरीके की नेगेटिव एनर्जीज आपके पास, आपके ऊपर छोड़ी गई हैं पास्ट में, ठीक है, और वो आपके पर्सन ने ही छोड़ी है। ऑल दो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जी रहे हो, आप जिस तरह के बिंदास इंसान हो या जिस भी तरीके से आप अपनी लाइफ को जीते हो, सामने वाले को हमेशा से यही रहा है, क्योंकि आपने पेशेंस रखा है ना चीज़ों को लेकर, उस वजह से लोगों ने आपको कंपेयर भी किया है, आपको टॉर्चर भी किया है, और आपको एक फूल की एनर्जी में देखा है कि आपको तो कुछ समझ ही नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे हैं आप अपनी, क्योंकि आपने देखिए पेशेंस भी रखा है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग भी आपकी मोड में आ रही है कि काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग भी आपने अपना बिहेवियर रखा है। अगर लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करने के लिए आपने सिचुएशंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा कि चलो ठीक है, अगर ये कंपेयर कर भी रहे हैं या कर भी रही है, अगर इसने बोल दिया तो इग्नोर करो, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में भी दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन ने आपको मेंटली फिजिकली टॉर्चर भी किया होगा, तो भी आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ ही लिया है। स्किज़ोफ्रेनिया का नेक्स्ट कार्ड आया है, तो आप देख सकते हो आपको आपको आपके ही पर्सन ने ऐसे रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया है कि आप अपने को ना आगे ले जा पाए ना पीछे ला पाए, है ना, आप अपने को संभाल ही नहीं पाए। इस तरीके की कंडीशन आपके पर्सन ने आपकी कर दी पास्ट में कि आपको कुछ भी, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि बस अब तो गिरे तो मरे वाला हिसाब किताब, है ना। तो आप देख सकते हो इस इंसान को किस तरीके से ये दो पहाड़ के बीच में टंगा हुआ है ना। तो अब अगर ये हाथ भी नहीं छोड़ सकता है, ना पीछे जाने की कंडीशन में है, ना आगे आने की कंडीशन में है, और गिरता है तो इसकी तो मौत तय है। तो इस तरीके की सिचुएशन में आपने कॉम्प्रोमाइजिंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही कर लिया, आपने चीज़ों को लाइट ले लिया है, है ना। तो उस बिहेवियर के चलते इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया है और इस एनर्जी में लाके आपको छोड़ दिया है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ जा किधर रही है। आपको ऑल दो आपको करना क्या है, या आपकी लाइफ में कुछ खुशियां मिलेंगी भी कि नहीं, या आपकी इस लाइफ का दी एंड ही होना है, या आपकी इस रिलेशनशिप का दी एंड ही होना है, ऐसी काफ़ी लोगों की आप में से एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये था पास्ट, अभी तो कुछ यहाँ पर प्रेजेंट कनेक्ट करते हैं और फिर आगे चलेंगे। ओके, पोस्टपोनमेंट का कार्ड आ रहा है, तो इवेंट्स को पोस्टपोन किया है आपके पर्सन ने, ठीक है, कि आपने अगर कहीं उनसे पूछा भी होगा ना कि कुछ चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है या मेरे साथ कुछ इश्यूज है या बाहर कहीं और कुछ है, मतलब अगर आपने कहीं चीज़ें देखी भी होंगी या आपको कुछ समझ भी आया होगा, तो भी आपके पर्सन ने उसको पोस्टपोन ही किया है, मतलब ऐसा आपको टाला ही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमको गलत फहमी है, या कुछ भी इस तरह की बातें बोली गई हैं जो कि आपको बर्दाश्त ही नहीं हुई है। एंड देखो यहाँ पर चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं कि आप अभी ना बहुत ज़्यादा अपने को बंधे हुए फील कर रहे हो, है ना। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में पेशेंस रखा हुआ है, आप बहुत शांत रहना चाहते हो, लेकिन किसी न किसी गलत व्यवहार की वजह से इनके जो भी आपके साथ आप बिहेव किया जाता है उसको, उसके चलते, उस बिहेवियर के चलते आप एक नेगेटिविटी की तरफ जाते, मतलब चलते चले गए हो पास्ट में, है ना। आपने खुद को लोगों से अलग करने की भी कोशिश की होगी यहाँ पर, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग आपके पीछे ही पड़े हुए हैं। आप शांत रहने की कोशिश भी कर रहे हो, आप अपने को इस बंधन से अलग रखने की भी कोशिश की होगी आप में से कई लोगों ने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, पॉजिटिव नहीं मिला आपको इस रिलेशनशिप के अंदर, है ना। बहुत नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके आसपास दिखाई दे रही है ना। आप जितना इससे निकलने की कोशिश करते हो पर निकल नहीं पा रहे हो, है ना, आपके अंदर एक फियर बैठ गया है लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर आप लोग डर गए हो, है ना। आपको एक डर है कि आपको नेगेटिविटी ही मिलने वाली है लोगों से, ये यहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है। लवर्स का कार्ड नेक्स्ट आया है आप लोगों के लिए, तो आप देखिए यहाँ पर कि आपने ये जो एनर्जीज आपने फील की है, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी कि कुछ तो आप दोनों के रिलेशनशिप में ठीक नहीं चल रहा है ना। कहाँ तो आप लोग, आपको ऐसा लग रहा था जब आप इस रिलेशनशिप में आए थे कि आपको पॉजिटिव मिलेगा, आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी, आपको एक प्यार करने वाला इंसान मिलेगा, लेकिन चीज़ें जो जैसी हम सोच के चलते हैं ना, वैसी हमारे साथ होता नहीं है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गलत चीज़ें होती चली गई।
लेकिन सी एक बहुत अच्छी सी चीज है जो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कुछ दिखाई दे रही है, वो ये आपको समझना पड़ेगा कि देखो गलत लोग जो होते हैं ना, गलत लोग हमारी लाइफ में, सभी की लाइफ में आते हैं जाते हैं, लेकिन जो भी गलत इंसान हमारी लाइफ में आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है, कुछ ना कुछ हमें सीख देकर ही जाता है कि हमने कहाँ गलती कर दी, हमें कहाँ नहीं करनी चाहिए थी, हम क्या चीज़ समझ पाए, हम क्या चीज़ नहीं समझ पाए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम सीख जाते हैं जब इस तरीके के कुछ नेगेटिव लोग, कुछ गलत लोग हमारी लाइफ में आते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ एक अच्छे मोमेंट्स भी आप लोगों ने बिताए हैं, राइट, एक कुछ खुशियाँ भी आप लोगों ने साथ में बिताई हैं, तो वो जो खुशियों वाले पल हैं ना, वो आपको बहुत चीज़ें अभी उदास कर जा रहे हैं, परेशान कर देते हैं आपको, कहीं ना कहीं वो अच्छी यादें आपको ज़्यादा दुख दे रही हैं, गिल्ट में आ गए हैं आप लोग, गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत आइसोलेशन में आ चुके हैं, अलग थलग फील करने लगे हैं आपको अभी लाइफ में, किसी के ऊपर मुझे यहाँ पे लग ही नहीं रहा कि आप किसी पे भरोसा करते हो, ठीक है। एंड आप में से कई लोगों के जो ये पर्सन है, ये ट्रैवलिंग के टाइम पे मिले हुए हो सकते हैं, कहीं आप जा रहे हो या किसी फंक्शन में, पार्टी में, इस तरह की कई कई चीज़ों में आप लोग मिले हो सकते हो, या फिर आपको मतलब आपको ट्रैवल करके ही ले जाया गया है कहीं इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर अगर आपकी शादी हुई है तो आपकी अपनी जगह से कहीं बाहर शादी हुई है और आप ट्रैवल करके कहीं बाहर गए हो, तो बेसिकली आपने बहुत अच्छे से ये रिलेशनशिप को रिलेशनशिप में आप गए थे, बहुत अच्छी चीज़ें सोचकर आप इस रिलेशनशिप में गए हो, लेकिन चीज़ें यहाँ पर गिल्ट में आ गई हैं, आइसोलेशन में डाल दिया गया है आपको, मतलब आप बिल्कुल अलग थलग फील कर रहे हो, लोग उन्होंने अपना तो ग्रुप बना लिया है लेकिन आपको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है ना। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। अब मैं थोड़ी सी आपकी एनर्जीज यहाँ पर टैरो से कनेक्ट करूंगी कि क्या चल रहा है। अरे क्यों, क्या बात है भैया, कौन एनर्जीज को खराब कर रहा है, कार्ड्स को शफल क्यों नहीं करने दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज क्यों इफेक्ट डाल देती हैं यहाँ पर आके। एम्प्रेस का कार्ड देखो नेक्स्ट आया है, मैंने बोला ना कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही अमेजिंग है और आपको, आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी आप देखो कि आप आइसोलेशन और गिल्ट में आ चुके हो, आप कितना दुख में, तकलीफ में अपने को फील कर रहे हो, आपकी जो एनर्जीज पास्ट में थी ना, वो यहाँ पर एम्प्रेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे, ठीक है। आप में से कई लोग क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होंगे, कई लोग डॉक्टर्स हो सकते हैं, कई नर्सेज हो सकते हैं, या फिर कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि ब्यूटी एरिया, ब्यूटी सेक्शन में होंगे, या फिर कोई ऐसे हो सकते हैं जो कि मतलब कुछ ड्रेस डिजाइनिंग में भी हो सकते हैं कई लोग, तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अथॉरिटी अपनी लाइफ के अपने हाथ में रखते हो, खुश रहना चाहते थे, आप अपनी लाइफ में जब ये तक ये मिले नहीं थे, मैं तो यही बोलूंगी, जब तक ये आपकी लाइफ में आए नहीं थे तब तक आप हर चीज में खुशी ढूंढ लेते थे, आप हर चीज में एक एक कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप निकाल लेते थे। आप में से कई लोग क्रिएटिव माइंड के मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पेंटिकल्स का कार्ड नेक्स्ट आया है, ओके। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पर ऐड हो गई है, तो ये जो आपके पर्सन है ना, ये फाइनेंसिस के चलते, आप में से कई लोगों के पर्सन फाइनेंसिस के चलते यहाँ से आपसे अलग हुए हैं, ठीक है। एंड इनको कई लोगों ने समझाने की भी कोशिश की होगी कि अभी जिस पर्सन के साथ हो, या वाइफ के साथ हो, या हस्बैंड के साथ हो, या जिस भी रिलेशनशिप में हो, उसी में बने रहना चाहिए, इस तरीके से छोड़कर दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो कई लोगों ने इनको समझाया भी होगा, सिखाया भी होगा। अच्छा, ये भी कई लोगों के केस में हो सकता है कि आपने खुद देखा हो इनको किसी से मिलते हुए, ये भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके पर्सन किसी न किसी से मिलते हैं बाहर जाकर के, है ना, और वही चीज़ वही यहाँ पर निकल के आई है कॉम्प्रोमाइज के फॉर्म में कि आप, और ये स्किज़ोफ्रेनिया के फॉर्म में कि आपने काफ़ी चीज़ों को लेकर पेशेंस रखा है, झगड़े आपने टाले हैं, ठीक है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि ये सब जानते हुए भी आप में से कई लोगों ने झगड़े टालने की कोशिश की है, प्यार से आराम से समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया है और इन्होंने आपको नो कांटेक्ट दे दिया है और ये आपकी लाइफ से निकल के चले गए हैं, ठीक है। और ये इंसान जो है ना, ये किंग, देखो फिर से पेंटिकल्स का ही कार्ड आया है,
तो बहुत ज्यादा अभी नेगेटिविटी है इस इंसान के आसपास। ऑल्दो पैसों के लिए अगर ये गया है बंदा यहाँ से, आपका जो भी इंस पर्सन है, अगर पैसों के चलते ये पर्सन ने आपको एग्जिट दिया है या आपकी लाइफ से निकल गए हैं, एंड किसी की मतलब जो भी इंसान जिसके पीछे भी ये गए हैं ना, वो या तो वो बहुत साउंड है पैसों को लेकर, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ से छोड़ कर के गए हैं, और बहुत सारी नेगेटिव बातें आपसे बोली गई हैं, बहुत ज़्यादा गलत बातें आपसे बोली गई हैं, एंड आपसे बर्दाश्त भी नहीं हुआ है। और देखो होता यही है, तो हमें हम सबसे ज़्यादा पेनफुल, हम सबसे ज़्यादा दुखी कब होते हैं, जब जो हमारा सबसे पास वाला करीबी इंसान होता है ना, वो ही हमें जब दुख देता है, तकलीफ देता है, गलत बातें बोलता है, तभी सबसे ज़्यादा दुख होता है। बाहर वाली दुनिया को तो हम निपट लेते हैं, उनके कहने ना कहने से हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जब हमारा खुद का ही पर्सन अगर इस तरीके की बातें करता है तो वो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। मैजिशियन वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, देखिए है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे यही शो कर रही है कि इसने, इस पर्सन ने अपनी अथॉरिटी हमेशा ऊपर रखी है। आपके जो ये पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं लुक वाइज अच्छे होंगे, है ना, एंड अगर मेल है तो स्मार्ट हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, अगर फीमेल है तो काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी ये, और काफ़ी एनर्जी वाली मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशंस शो करते हैं ये पर्सन। एक्चुअली इसके ना मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसके ना दो तरीके की शक्लें हैं, ये सामने तो बहुत अच्छा है, मैजिशियन जैसा है, इसको ऐसा दिखाता है कि भाई मेरे पास, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं मतलब मैं बेस्ट हूँ, दी बेस्ट इंसान हूँ पूरी दुनिया का, लेकिन जैसे ही इसका सेकंड फेज आपके सामने आता है तो ये किसी और ही फॉर्म में आपके सामने आता है। तो क्या होता है कि देखो, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बाहर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। अंदर से कुछ और किसको पता चलता है, जो उनके सबसे पास होता है, करीब होता है ना, सिर्फ वही जान पाता है कि ये इंसान अंदर से कैसा है, मतलब ये इंसान पीछे से किस तरह की गंदी बातें करता है या किस तरीके से अब्यूज करता है, गालियां देता है, मारपीट करता है, तो ये आप ही समझ सकते हो जो कि इसके पीछे से इसको फेस करते हो, है ना। एंड यहां पर अभी मैं कुछ एनर्जीज ये निकालूंगी कि डिवाइन अभी क्या सोच के बैठे हुए हैं। देखो टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, राइट, तो डिवाइन की तरफ से यही मैसेज आ रहा है कि अगर आपके आपके ये पर्सन अगर आपकी लाइफ से निकल चुके हैं तो आपको इस पर्सन को, क्योंकि आप देखो गिल्ट और आइसोलेशन की फॉर्म में मुझे क्लियर कट यहाँ दिखाई दे रहे हो, ठीक है, इवन आपके आंसू भी सूख चुके हैं, जम चुके हैं, आप रो रो के परेशान हो चुके हो, हर मतलब आप खुद ही अंदर से ठंडे हो चुके हो, बर्फ मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, है ना, बिल्कुल लास्ट वाली एंड वाली फेज पर आप अपने, आप में से कई लोग अपने को फील कर रहे होंगे। लेकिन अभी आपकी लाइफ में अगर आप लोग मूव ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मुझे मूव ऑन। तो अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं और आगे बढ़ चुके हैं, या इस पर्सन को आप छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर एक कोई बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही प्यारा इंसान आपकी लाइफ में मुझे एंटर करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करेगा, जो आपको बहुत प्यार देगा, जो आपकी खुशियों का ध्यान रखेगा। तो कोई एंजल्स, बजरंगबली, गॉड आपके पास किसी ऐसे इंसान को भेज रहे हैं जो कि आपके इस इमोशन को कंट्रोल करेगा, आपको संभालेगा, जो चीज़ आपने अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट की थी, ठीक है, जो चीज़ सोच के आप इस आगे बढ़ रहे थे, जो आपने इस पर्सन से एक्सपेक्ट की थी, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अब जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा वो कहीं ना कहीं आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, ठीक है। और अगर आप लोग नहीं चाहते हो, ब्रेकअप चाहते हो, तो लिख दीजिएगा ब्रेकअप। और अगर आप लोग इस पर्सन को वापस मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो उनके लिए भी ये पॉजिटिव कार्ड है, तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग इस पर्सन को वापस चाहते हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस एनर्जी से निकलेगा, इस सिचुएशन से ये पर्सन बाहर निकलेगा, और इसका झूठा चेहरा लोगों के सामने आएगा, और ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ये आपको ज़रूर से ज़रूर अप्रोच करेगा, और आपके पास वापस आने की कोशिश भी इसकी पूरी रहेगी। एक गाइडेंस का कार्ड दूंगी, डिवाइन प्लीज़ गाइडेंस दे दीजिए व्यूअर्स को, क्या आ रहा है गाइडेंस का कार्ड। फोर ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, देखो आप लोगों के लिए गाइडेंस, बहुत ही प्यारा कार्ड यहाँ पर निकल के आया है एज गाइडेंस। क्या गाइडेंस दे रहा है ये कार्ड? ये कार्ड ये बोल रहा है कि अगर आप इस दुख से गुजर रहे हो तो आपको अपनी एनर्जीज, जो आपने अपनी पावर एनर्जीज, जो आपने
खुशियां जो नीचे छुपा के दबा के रखी हुई हैं, उनको आपको बाहर निकालने की जरूरत है। रातों में रो मत, अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो, अपने को बाहर निकालो इस अंधेरे कमरे में से। आपकी फैमिली है, आपकी फ्रेंड्स हैं, आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। तो आप इस घुटन से बाहर निकलो, जो आपकी एनर्जीज है उसको यूज करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। पॉजिटिव जरूर सोचा करो अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो ये गाइडेंस आया है कि आप सोचना बंद करो और एक्शंस प्लान करो। ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहे हो आप लोग पास्ट को लेकर, इस पर्सन को लेकर। सोच देखो, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर आप लोग इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वापस जरूर आएगा, लेकिन स्टिल जो जिस कंडीशन में आप यहाँ पर अभी हैं, दुख में, तकलीफ में, उससे निकलने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, खुश रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपको अपनी कंडीशन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अपने आप देखो, इसको तो कर्मा मिल ही रहा है। ठीक है, इसको जो कर्मा मिलेगा, जो भी ये जिस भी सिचुएशन पे पैसों के चलते ये पर्सन गया था, अभी पूरी तरीके से ये पर्सन जो है पेन में है, डिजास्टर में है, लॉसेस में चल रहा है। इसके सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो चुका है। ठीक है, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो चुका है। ओके, ये पॉइंट मैं उधर आपको बताना भूल गई थी। तो अभी यहाँ पर जो मैजिशियन के कार्ड में जो निकल करके आया है, इसकी फिजिकली हेल्थ भी यहाँ पर मुझे थोड़ी सी खराब होती हुई दिख रही है, लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजें, मतलब इसका जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ये यहाँ से मूव ऑन किया था ना, कि मैं तो उसके साथ मुझे ज्यादा अच्छा है या वो मेरे लिए बेस्ट है, तो वो सारा कॉन्फिडेंस इसका निकल चुका है। जो भी इसने सोचा था वो सब कुछ इसकी लाइफ में इसको भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये अगर ये वापस आता है तो तब तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि अपनी लाइफ को और बेटर कंडीशन में लेके जाइए। जिस देखो, अगर सामने आपके कोई इंसान ऐसा नया आता भी है तो अपने दिल के दरवाजे खोल करके रखो, ताकि वो आपके अंदर, आपके दिल में एंटर कर सके, आपकी लाइफ में एंटर कर सके और आपको वो सारी खुशियां दे सके जो आप डिजर्व करते हो। तो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। अगर आपको के साथ रेजोनेट की हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करेंगे तो ये रीडिंग औरों तक पहुँचेगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, गॉड का थैंक यू ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।